नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। भीमा कोरेगांव जांच मामले में नहीं मिला कोई पत्र महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है, भीमा कोरेगांव मामले में जांच के संबंध में हमें कोई पत्र नहीं मिला है। हम पत्र पढ़ने और उस पर कानूनी राय लेने के बाद अपना अगला कदम तय करेंगे। उन्होंने कहा, कई संगठनों के लोगों ने मुझे बताया है कि कुछ लोगों पर इस मामले में गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। पदभार संभालते ही मनपा आयुक्त ने भरवाया जनता दरबार। नागपुर मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने मंगलवार को पदभार संभालते ही कल बुधवार के दिन जनता दरबार के माध्यम से शहर के नागरिकों से सीधे तौर पर संवाद साधा, उनकी समस्याएं सुनी, विकास के लिए उचित निर्णय लेने का संकल्प। नागपुर मनपा आयुक्त ने कल जनता दरबार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने नागपुर शहर के विकास के लिए आवश्यक व उचित निर्णय लेने का संकल्प लिया है। साथ ही महानगर पालिका की सभी सेवाएं मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही मनपा को भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा। इसके लिए आर्थिक स्रोतों को बढ़ाया जाएगा। विकास के लिए लोकल बॉडी सपोर्ट जरूरी। जनता दरबार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनपा आयुक्त ने कहा कि मनपा के पदाधिकारी और प्रशासन दोनों ही शहर विकास के लिए प्रयासरत है, मगर इसके लिए प्रशासन को लोकल बॉडी का सपोर्ट भी जरूरी है। शांति भंग की आशंका, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी जामिया से राजघाट तक मार्च की इजाजत। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीनबाग में 1.5 महीने से धरने पर जमी बैठी महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते जामिया से राजघाट तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। शाहीनबाग में धरने पर बैठी महिलाओं की भीड़ ने गुरुवार को राजघाट पर जाने के लिए मार्च की घोषणा की थी। इसकी भनक लगते ही दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र से शुरू होकर दिल्ली में आज समाप्त होने वाली गांधी शांति यात्रा राजघाट पर पहुंच रही है। यात्रा की अगुवाई पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।